तो फाइनली गाइस, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, फैंस जिस फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और साल 2024 में अगर किसी फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार था, अगर किसी फिल्म का सबसे बड़ा इंतजार था, तो वो थी जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान की फिल्म देवरा। और दोस्तों फाइनली ये फिल्म आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म का आज पहला दिन है सिनेमाघरों में, और बढ़िया बात तो ये है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो ये है कि भैया देवरा फिल्म हर किसी को पसंद आ रही है। जो भी दर्शक इस फिल्म को देखकर थिएटर से निकल रहा है, वो फिल्म की तारीफें करते करते नहीं थक रहा है। अगर मैं राइटिंग की बात करूं तो फिल्म को 4 स्टार मिले हैं। जा दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये फिल्म शानदार होने वाली है, लेकिन कुछ लोगों को फिल्म का ट्रेलर पसंद नहीं आया था। लेकिन फिल्म का ट्रेलर उतना मैटर नहीं करता है, जब आप पूरी फिल्म देखते हो, आपके सामने पूरी फिल्म होती है, तब आपको पता चलता है कि भैया बनाने वाले ने आखिर क्या बनाया है। और बनाने वाले ने एक बेहतरीन, जबरदस्त, फाइनली ये एक शानदार फिल्म है, और आज अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर भी खूब धूम मचा रही है। तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, देवरा फिल्म का आज सिनेमाघरों में पहला दिन है। फिल्म की एडवांस बुकिंग भी ताबड़तोड़ हुई है, जिसने कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ा है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देवरा फिल्म आज अपने फर्स्ट डे पर, यानी कि फिल्म का आज ओपनिंग डे है, तो फिल्म आज अपने पहले दिन इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई करेगी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी सभी भाषाओं में, वहीं फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन रहेगा। और दूसरी तरफ जैसा कि आप सभी को पता होगा, केजीएफ चैप्टर 2 साल 2022 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने 165 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड ओपनिंग की थी। तो फिलहाल देवरा फिल्म कितनी ओपनिंग ले रही है, कि क्या केजीएफ चैप्टर 2 को ये फिल्म पीछे छोड़ रही है, तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले, अगर आप जूनियर एनटीआर, सैफ अली खान और रॉकिंग स्टार यश को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें फिल्म देवरा की, तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म थी, जिसका फैंस सालों से इंतजार कर रहे थे, और फैंस इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे। फिल्म को डायरेक्ट किया है कोरताला शिवा ने, और फिल्म को प्रोड्यूस किया है सुधाकर मिक्किनेनी ने। फिल्म में हमें जूनियर एनटीआर के साथ सैफ अली खान, जानवी कपूर, श्रुति मराठे, प्रकाश राज और श्रीकांत जैसे बड़े सितारे अहम किरदारों में नजर आ रहे। और दोस्तों अगर मैं फिल्म के बजट की बात करूं, तो फिल्म का जो बजट है वो लगभग 250 करोड़ रुपए का है। लेकिन अपने पहले दिन ये फिल्म क्या इतिहास रच रही है, चलिए मैं आपको बताता हूं, क्योंकि फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों को और कई बड़े रिकॉर्ड अपने पहले ही दिन अपने नाम कर लिए हैं। दोस्तों तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, तमिल सभी भाषाओं में इस फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आज अपने पहले ही दिन। अगर मैं बात करूं स्टेट वाइज की, तो स्टेट वाइज में फिल्म ने आंध्र प्रदेश में 56% की ऑक्यूपेंसी दर्ज कर रखी है, अरुणाचल प्रदेश में 0% की ऑक्यूपेंसी है, असम में 3% की ऑक्यूपेंसी है, बिहार में 6% की ऑक्यूपेंसी है, छत्तीसगढ़ में 9% की ऑक्यूपेंसी है, गोवा में 7% की ऑक्यूपेंसी है, गुजरात में 3% की ऑक्यूपेंसी है, हरियाणा में 1% की ऑक्यूपेंसी है, हिमाचल प्रदेश में 1% की ऑक्यूपेंसी है, झारखंड में 4% की ऑक्यूपेंसी है, कर्नाटका में 30% की ऑक्यूपेंसी है, केरला के अंदर 5% की ऑक्यूपेंसी है, मध्य प्रदेश में 4% की ऑक्यूपेंसी है, महाराष्ट्र में 6% की ऑक्यूपेंसी है, मेघालय में 17% की ऑक्यूपेंसी है, मिजोरम में 32% की ऑक्यूपेंसी है, ओडिशा में 23% की ऑक्यूपेंसी है, पंजाब में 3% की ऑक्यूपेंसी है, राजस्थान में 6% की ऑक्यूपेंसी है, सिक्किम में 0% की ऑक्यूपेंसी है, तमिलनाडु में 17% की और तेलंगाना में 49% की ऑक्यूपेंसी। यानी कि फिल्म को आज अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार रिस्पांस मिल रहा है। अगर मैं आपको बताऊं, तो तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम सभी भाषाओं में फिल्म ने अपने फर्स्ट डे के लिए जो एडवांस बुकिंग की थी, वो लगभग 39 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग की थी। और दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ट्रिपल आर के बाद जूनियर एनटीआर का जो धमाका है देवरा के साथ, वो बहुत बड़ा होने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, हर किसी से फिल्म को तारीफें मिल रही है, तो ये फिल्म कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं होने वाली है, ये बहुत लंबे टाइम तक सिनेमाघरों में चलने वाली है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि सभी भाषाओं में फिल्म ने 39 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग की थी अपने फर्स्ट डे के लिए, तो आज फिल्म का पहला दिन है। अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करूं, तो दोस्तों आज अपने फर्स्ट डे पर फिल्म इंडिया के अंदर सभी भाषाओं में तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम कम से कम 55 से 60 करोड़ रुपए की ओपनिंग कर रही है।
55 से 60 करोड़ रुपए की ओपनिंग ये फिल्म आज अपने पहले दिन कर रही है। लेकिन दोस्तों अगर मैं वही बात करूं फिल्म की ओवरसीज एडवांस बुकिंग की, तो ओवरसीज से भी फिल्म ने लगभग 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस बुकिंग की थी, 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की, तो आज ओवरसीज से भी ये फिल्म कम से कम 60 करोड़ रुपए कर रही है। तो दोस्तों फिल्म आज अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड में जो ओपनिंग ले रही है वो वाकई काबिले तारीफ है, और कम से कम ये फिल्म 120 करोड़ रुपए की ओपनिंग वर्ल्ड वाइड में ले रही है, और ये काबिले तारीफ ओपनिंग है। जहां दोस्तों कम से कम 55 से 60 करोड़ रुपए ये फिल्म इंडिया से करेगी, और वहीं ओवरसीज से कम 60 करोड़ रुपए करेगी, और फिल्म की जो वर्ल्ड वाइड ओपनिंग है वो कम से कम 120 करोड़ रुपए की होगी। लेकिन दोस्तों आपने कौन से शहर, कौन सी सिटी में फिल्म देवरा का टिकट बुक किया है कमेंट में जरूर बताइएगा।